हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनेट्स व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं हूं आपकी संगीता। सो गाइस, अभी मैं हूं गांव में और हम स्टार्ट करने वाले अपने गांव के घर का होम टूर। तो बाहर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो ये है मेरे भाई का नाम अमित कुमार सिंह और ये हमारे गेट की फर्स्ट एंट्री। हमारे घर में दो एंट्री है, एक इस साइड एक बैक साइड में, आपको दोनों दिखाने वाली। तो ये हमारा एंट्री, यहाँ पे हमारा पड़ा है तख्त, कोई भी आता है तो यहाँ पे बैठ जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमने लगा रखी है फोटोज गौतम बुद्ध, और आप देखो ये मेरे दादा दादी मम्मी पापा, और ये रखा है मुझे नहीं पता क्यों रखा है यहाँ पे। सो हम चलते हैं पहले रूम में। सो ये है हमारा फर्स्ट रूम, खुल जा, बहुत टाइट है इसका गेट। सो गाइस ये है हमारा पहला रूम जो कि है मेरा भाई भाभी का। ये हमारा पहला रूम जो कि मेरे भाई भाभी का रूम है। ये हमारा बेड और ऊपर का, गाइस ऊपर का आप वो देखो डिजाइन कितना सुंदर डिजाइन है। ऐसा डिजाइन आपको दिल्ली में देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही सुंदर है। सो ये है फर्स्ट रूम और ये है, यहाँ पे खुद को देख सकते हैं। और ये हमारा वॉशरूम जो कि काफी दिनों से बंद है, इसलिए मैं इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाने वाली हूँ। सो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट रूम की तरफ। सो गाइज एक हमारा है ये वाला रूम जो जिसका गेट दूसरी तरफ भी है, तो मैं आपको दूसरी तरफ से ही दिखाऊंगी। और यहाँ से हमारी है एंट्री, ये हमारा जीना गया ऊपर के लिए सीढ़ियाँ, और ये है गांव में स्टोरेज के लिए टंकी, होना बहुत ज़रूरी है। और ये पूरी की पूरी टंकी गेहूं से भरी हुई है, पूरी टंकी में गेहूं है। और इसमें इसमें क्या है मम्मी? इसमें मूंग की दाल है जो हमारे ही खेतों में होती है। बंद कर दिया मैंने। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट रूम में। सो ये है हमारा नेक्स्ट रूम। सो इस रूम में भी एक पड़ा है हमारा बेड, और मेरे को निकलना है दिल्ली के लिए, इसलिए मेरा यहाँ पे बैग्स रखे हुए हैं क्योंकि थोड़ी देर में मेरी ट्रेन है, मेरे को दिल्ली के लिए निकलना है। और ये है हमारी अलमारी। दोनों रूम में मिरर बहुत अच्छे हैं, तो ये काम की चीज है। और यहाँ पे मम्मी पापा के बैग रखे, यहाँ पे एक बड़ा संदूक, उसके ऊपर एक छोटा संदूक, और ये देखो ये इसमें भी मूंग की दाल पूरी भरी हुई है साबुत हो गई। सो गाइस एक था ये रूम। अब चलते हैं हॉल की तरफ। दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ अपनी किचन गांव वाली। ये है हमारी किचन, ऊपर हमारे सारे डिब्बे रखे हुए जिसमें मुझे नहीं पता क्या क्या रखा हुआ है। ये हमारा पानी, और ये मम्मी ने अभी दूध उबाला जो कि गिर गया। सो ये हमारी किचन, दिल्ली में इतनी छोटी किचन होती है, यहाँ पे बड़ी बड़ी किचन होती है, देखो कितना स्पेस है। सो ये हमारी किचन। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हॉल की तरफ। ये पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये है साइकिल जो कि मेरे पापा की है। पापा को बहुत ही शौक है साइकिल का, इसलिए हर एक दो साल में ये साइकिल चेंज होती रहती है। और ये है खाट, गांव में है और खाट में ये तो हो ही नहीं सकता। सो ये हमारा थोड़ा सा हॉल वाला एरिया है, यहाँ पे हमारा फ्रिज रखा है, एक बेड टाइप यहाँ पे भी हमारे पास, वही मेरा खाना रखा हुआ है ठंडा होने के लिए क्योंकि मेरे को लेके जाना है दिल्ली। सो यहाँ पे हमारी चेयर रखी है, और ये वॉशिंग मशीन, और यहाँ पे हमारा वॉश बेसन, और ये फिर एक और मिरर। फिर आते हैं हम अपने सिटिंग एरिया में। इन्हों में क्या है मम्मी? सरसों। इनमें सरसों है जिसमें तेल निकलता है खाने वाला। सो वो सरसों है जो कि हमारे ही खेतों में हुई है, बहुत सारी है, हमें बाहर से तेल खरीदना ही नहीं पड़ता, हमारे खुद के खेतों में हो जाती है। और ये हमारे सोफा जहाँ पे हम बैठते हैं, बैठ के सारी गॉसिप्स यहाँ पे होती है। तो गाइस ये है, और देखो ये यहाँ पे हमारी एसी रखी हुई है जो कि पिछले 3 साल से ऐसी रखी है जो लगी नहीं है, इतने आलसी लोग हैं हम। तो एक बार इधर से आपको पूरा हॉल का एरिया दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारा सोफा है, उधर हमारे बेड खाट, ये हमारा, ये बहुत बड़ा एरिया है
मतलब कि गांव में ऐसा खुला खुला एरिया होना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारा इधर है वॉशरूम। अब हम चलते हैं थोड़ा सा बाहर की तरफ, ये देखो। सो ये हम निकलते हैं बाहर, उसके बाद हमारा थोड़ा सा आ जाता है, यहाँ पे हमारी हो जाती है गाड़ी पार्किंग यहाँ पे। कल हमारा ये नीम का पेड़ कटा है, ये देखो, क्योंकि बगल वालों को प्रॉब्लम थी कि हमारे यहाँ पे कूड़ा गिरता है, इसलिए ये कल इसको काट दिए गए, इस नीम के पेड़ को, इसलिए सारा गंदा पड़ा हुआ। और रात में बारिश भी हो गई है। और गाइस सबसे अच्छी चीज़ दिखाती हूँ मैं यहाँ का आपको, किचन गार्डन। स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले देखो ये क्या है, ये है तोरी। देखो कितनी सारी तोरी लगी है यहाँ पे, ये देखो बहुत ज़्यादा लगती है। हम लोग बहुत बना के खाते हैं, ये सारी जो देख रेख करते हैं ये हमारे ताऊ ताई रखते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ पे रहते नहीं हैं। उसके बाद ये वाली जो बेल उधर आप देख रहे हो, लौकी की बेल है, और करेला भी दिख रहा होगा आपको, देखो करेले। ये है करेला, बाहर से खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं से तोड़ो खाओ। तो ये है करेला। और यहाँ पे बैंगन के छोटे छोटे पौधे अभी बड़े हुए। ये है तुलसी। आगे चलते हैं तो ये है भिंडी का पौधा, जो कि कितना बड़ा हो गया इसमें भिंडी में, मुझे अभी दिख नहीं रही है, वैसे भिंडी लगती है इसमें। सो देखो फूल आ रखे हैं इसमें, सो भिंडी इसमें लगती है। दिखाती हूँ आपको इस तरफ, तो ये है हमारा जामुन का पेड़, जिसमें जामुन लगते हैं लेकिन अभी कम लगते हैं। सो चलते हैं आगे। मम्मी ये कौन सा पौधा है? ये मेरे को नहीं पता कौन सा है। सो आगे चलते हैं, अभी गंदा पड़ा है, ये सब साफ होना है। सो ये देखो यहाँ तक तोरी, तोरी तो इतनी लगी है, मतलब आप कितना ही खाओगे, बहुत तोरी के पौधे हैं, बेल है सॉरी। सो ये है तोरी। ये क्या है मुझे ज़्यादा पेड़ पौधों की जानकारी एक्चुअली में है नहीं। सो ये हमारा एलोवेरा, वहाँ पे मैं जा नहीं सकती क्योंकि बारिश हुई है, बहुत गीला है। वो हमारा बैंगन का पौधा है, उसमें बैंगन लगा भी हुआ है लेकिन उधर जाऊँगी नहीं मैं, क्योंकि मेरा पैर गंदा हो जाएगा। और ये हमारा केले का पेड़, सो इसमें लगते हैं केले। और ये हमारा मेन डोर, जो कि हमने अंदर से लॉक कर रखा है, क्योंकि ये तभी खोलते हैं हम लोग जब इसमें हमारी गाड़ी आनी होती है, क्योंकि अभी गाड़ी हमारी यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए इसको बंद कर रखा है हमने। सो ये था हमारा, और दोनों साइड गलियाँ हैं, सो दोनों साइड से ओपन है हमारा घर, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। दोस्तों ये था मेरा पूरा गांव का घर, आपको कैसा लगा? गांव में मुझे ऐसे खुले खुले घर बहुत पसंद है, आपको कैसा लगा मेरा ये घर मुझे कमेंट करके बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाय।